राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ मास में सुने जाने वाले स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी स्कंद महापुराण की कथा को एक बार भी सुन लेता है, उसे किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की तो वह यदि स्कंद महापुराण की कथा को एक बार भी सुन लेता है तो उसे सभी तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, इसलिए स्कंद महापुराण की कथा को अवश्य सुनें और सभी तीर्थ यात्राओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करो। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कार्तिकेय जी की जय। लोमश जी कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु ही हैं। पीठिका भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है, अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं, इंद्र रतन में, चंद्रमा मुक्ता में तथा सूर्य ताम्र में लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वरुण और वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बलि नमुची हिरण्यक्षिपु वृषपर्वा सहलाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति प्रहेति संयाति प्रयाची प्रघस विद्युत जिह तीक्षण दृष्ट धूम्राक्ष भीम विक्रम माली सुमाली माल्यवान अति भीषण विद्युत केश खड़क जीव महाबली रावण दुर्धर्ष वीर कुंभकरण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजेता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा प्रास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराज बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। सो बंधुओं, सभी को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो शिवलिंग की पूजा जरूर करें। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और
दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं, फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिन में दंभ का अभाव है, तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे कर गई तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देव आदि देव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभो, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किए। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और नरसिंह रूप से हिरण्यक्षिपु को मौत के घाट उतारा। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्य रूप बलि को बांधा और भृगु कुल में परशुराम से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर अर्थात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भगत है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का बल है।
जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा ना भगत ही, जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से प्रास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए, शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर और ग्यारहवें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्य अन्य श्रेष्ठ देवता मैन और कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमन करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भगत तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी दो प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।